Assalamualaikum and a very good morning. जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अर्मिला हसन. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे. आज वीकेंड है, सैटरडे है, बहुत सारे प्लान्स होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा आज यहाँ पर जाना है और कुछ मौसम भी आपका साथ देते हैं. मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे जिस हिसाब से गर्मी आ रही है ना, तो जितने जितने वीकेंड्स आपको मिल रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल किया जाए अपनी फैमिली के साथ. और ये थोड़ा मॉडरेट सा वेदर है तो इसमें आप बाहर आउटिंग भी कर सकते हैं, आउटडोर. तो लिहाजा आज का प्लान आपने ज़रूर कुछ ना कुछ रखना है. मेरा कुछ प्लान है या नहीं ये तो मैं भी सोचूंगी. अच्छा जनाब, इसके साथ साथ कुछ आपके साथ हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. और मैं आज जो अभी सुबह रिसर्च पढ़ी थी, मैं ये देखी थी कि मेकअप स्किल्स होना बड़े टैलेंट की बात होती है. कभी कभी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके मेकअप स्किल्स बहुत शदीद ख़राब होते हैं, उसके इतने अच्छे मेकअप स्किल्स होते हैं कि आप एक लम्हे को परेशान हो जाते हैं. और ऐसा ही एक हो रहा है जनाब चीनी खातून के हवाले से. चाइनीज़ एक खातून है जिनकी मेकअप स्किल्स के जो चर्चे हैं पूरे सोशल मीडिया पर हैं जनाब. और मेकअप जो है उससे आप अपनी शक्ल तो बदल सकते हैं लेकिन इस हद तक बदल सकते हैं, ये चाइनीज़ खातून आपको बता रही है जनाब. ये माइकल जैक्सन नहीं बल्कि वो चाइनीज़ खातून है जो अपने मेकअप के साथ अपने चेहरे को किसी भी जो सेलिब्रिटी हैं उनके साथ मिला सकती हैं. कभी ये मोनालिजा की शक्ल ढाल लेती हैं, कभी ये माइकल जैक्सन बन जाती हैं. तो इनके लिए बहुत सारी जो इनकी ये असल में इनकी शक्ल है जिसके साथ ये बनी हुई है. अच्छा जनाब, इनको इंसानी गिरगिट करार दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर. और उन्होंने जनाब यूमाइका के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है और उनके जो मदाओं की तादाद है अब तक 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है. और उनकी बाज़ तस्वीर को तो बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है. ये पिक्चर देख कर आपको लिटरली गुमान हो रहा है ये असल में वही खड़ी हुई है, लेकिन ये मेकअप के साथ उन्होंने अपने चाहिए रोनाल्डो है मेरे ख्याल से. देखिए जनाब, इन्होंने कितनी ज़बरदस्त तरीके के साथ कॉन्टोर्स और पूरे उसको चेहरे को एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया. आप मेकअप से ये तो सोच सकते हैं कि अच्छा चलिए आपके फीचर्स थोड़े इन्हेंस हो जाएंगे, आंखें बड़ी हो जाएंगी, आप थोड़े कॉन्टोर से फेस लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आप शक्ल ही बदल लें, ये बड़ा एक ज़बरदस्त स्किल है. अच्छा जी, ये तो हमने आपको बता दिया इन चाइनीज़ खातून के हवाले से. अब ज़रा हम आपको ब्रिटानिया के हवाले से भी बताएँगे जहाँ पर टेक्नोलॉजी में उन्होंने कुछ फ्यूचर के हवाले से सोचा. वो इस तरह से कि ड्रोन, तो आप आम रूटीन में देखते हैं कि ड्रोन किस तरह से आपके पिक्चर्स और सारी चीज़ें की, लेकिन इनको जंगों में इस्तेमाल किया जाना और सबसे छोटे साइज़ का ड्रोन इस्तेमाल किया जाना, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है. ये बरतानिया के महकमा दिफा ने जासूसी के लिए दुनिया के सबसे छोटे ड्रोन जो हैं वो तैयार किए हैं जो मैदान जंग में फ़ौज के लिए जासूसी का काम सर अंजाम देंगे. और इस मकसद के लिए 8 करोड़ 70 लाख डॉलर की खतीर रकम रखी गई है जिसके तहत कम से कम 200 ड्रोन बनाए जाएंगे. इसमें सर फहरिस्त जो है इंसानी हाथ से छोटे ब्लैक हॉर्नेट जो 3 हैं जासूस ड्रोन हैं जिन्हें दुनिया के सबसे छोटे ड्रोन करार दिया गया. इसके अलावा सामान पहुंचाने वाले भी खुद का ड्रोन जो है वो भी बनाए जाएंगे. ये जनाब हॉर्नेट का जो वज़न है यह है 200 ग्राम से भी कम है, जो एक वसी इलाके की जो 3D वीडियो बनाकर HD वीडियो बनाकर बराह रास्त जो है जो वहाँ पे फौजी होगा उसके स्मार्टफोन पर आपको नज़र आ सकती है. और इनके मुताबिक जनाब ख़तरनाक और दुश्वार गुजार इलाकों में जहाँ जदीद और ये छोटे ड्रोन जो हैं जासूसी में बहुत अहम किरदार करेंगे, वहाँ उनकी जो फौज है उसको भी बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी. और जनाब बरतानवी जो एनालिस्ट हैं उनके कहा वो ये कह रहे हैं कि इसे भरपूर मौके पर आजमाया गया है और अगर आप ये अगर इस तरह से कामयाब इनका रहा एक जो कह लें इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है तो ये आइंदा आने वाले दिनों में इनकी फ़ौज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो ये उन्होंने ड्रोन छोटे लेवल पर तैयार किए हैं छोटे साइज़ के. अच्छा जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया कि ड्रोन के क्या जो इन्होंने अपनी फ़ौज को हेल्प करने के लिए किस तरह के ड्रोन बनाए हैं. अब हम ज़रा आपके साथ एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के हवाले से बताएँगे. अब आप अक्सर ट्रैफिक पे फंस जाते हैं, आपका ऑफिस लेट हो जाते हैं, कभी आप यूनिवर्सिटी टाइम पे नहीं पहुंच पाते तो आपका दिल कर रहा होता है आप उड़कर पहुंच जाएं. और ऐसे में हमें लग रहा होता है मोटरसाइकिल वाले ज़रा ज़्यादा सुकून में, वो ज़िगज़ैग करके कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं. लेकिन अब ये उड़ने वाली मोटरसाइकिल आ गई है जनाब. और ये कहाँ आई है जनाब, इसको जेट पैक कंपनी ने डिज़ाइन किया है. और दी स्पीडो नामी मोटरसाइकिल है जिसको दुनिया की पहली प्रवास करने वाली मोटरसाइकिल करार दिया जा रहा है. दी स्पीडर की कीमत जो है तकरीबन 3,80,000 डॉलर है, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में इसकी जो है वो तकरीबन 5 करोड़ बनते हैं. और ये दौरान प्रवास खुद को सीधा होता है जिसके लिए आपको स्टेबलाइजर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया स्टेबलाइजर वाली. और ये जो है मोटरसाइकिल
जेट टर्बाइन इंजन की बदौलत उड़ती है और ज्यादा से ज्यादा जो है जनाब 150 मील फी घंटा की रफ्तार तक जा पहुंचती है। दी स्पीडो जो है मुसलसल 20 मिनट तक 25,000 फुट की बुलंदी पर महवे परवाज रह सकती है। इसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सवारी कहा जा सकता है, जिसकी परवाज के लिए टेक ऑफ की जरूरत नहीं रहती। तो ये जनाब टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और इनकलाब है। कहाँ आप सोचते थे जहाज में बैठेंगे, अब आप मोटरसाइकिल जिस पर आप जा रहे हैं आप उसको उड़ाकर आराम तसल्ली के साथ जा सकते हैं। वैसे ये मोटरसाइकिल पहले भी दुबई की पुलिस ने, लेकिन उसमें जो इतनी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई थी, दुबई पुलिस ने इस पर वर्किंग शुरू की है। लेकिन अब चूंकि ये प्रॉपरली फॉर्म में आ रही है, तो देखें जनाब आप उड़ने वाली मोटरसाइकिल पर बैठ सकते हैं और आप किसी को कह सकते हैं मैं उड़ के आ रहा हूँ आपके पास। तो ये इंटरेस्टिंग मज़ेदार, वैसे जहाज ही लग रहा है छोटा सा। अच्छा जनाब आप पिक्चर ऑफ द डे दिखाते हैं और इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जनाब ये एक मेहनत मजदूरी करने वाले शख्स की कहानी है और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह लें कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करते हैं, लेकिन एक मेहनत कश आदमी कभी भी अपने आप को कह लें बहुत डाउन नहीं करता, भूखा नहीं मरता, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता रहता है। और ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने पास होते हुए भी ना शुक्रिया करते हैं, लेकिन एट द एंड ये लोग भी जो हैं जो अपना सबर शुक्र करके अपना काम भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है उसको भी बेहतर अंदाज में गुजारते हैं। तो लिहाजा ये पिक्चर आपको एक वही बात की तस्वीरें बोलती हैं और आप एक पिक्चर से एक मैसेज भी ले सकते हैं। जी पिक्चर ऑफ द डे दिखा दी, अभी हम जरा ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद आज वजीर आजम इमरान खान लाहौर आने वाले हैं। लाहौर में के नमूर पर जो है वो आ चुके हैं बल्कि, और के नमूर पे वो बात करेंगे क्या सूरत हाल होगी इस पर हमारे रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर से ज्वाइन करने वाले, उस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।